हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनमें कितने सेक्शन आते हैं और कौन सा सेक्शन आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है कमेंट सेक्शन, यानी कि जैसे आप सी लैंग्वेज में कमेंट लिखने के लिए सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते हैं, इसी तरह ही हम सी प्लस प्लस में कमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए हम ऐसा सिंबल और मल्टी लाइन के लिए हम इस तरह का सिंबल। मल्टी लाइन यानी कि आप एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करते हो और कमेंट जो है वो रन टाइम पे कंसीडर नहीं होता। तो बाद में जो आता है सेक्शन वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। इनमें फर्दर टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक लिंक सेक्शन और डेफिनेशन सेक्शन। तो लिंक सेक्शन में हम क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड करके आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं। जैसे कि अब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखना पड़ेगा। और डेफिनेशन सेक्शन में हम जो हैज डिफाइन करके कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं उसे हम हैज डिफाइन यानी कि डेफिनेशन सेक्शन कहेंगे। बाद में मेन फंक्शन लिखना है, इनमें लोकल वेरिएबल आएगा। जो भी ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल कोई भी फंक्शन में आप यूज कर सकते हो, यानी कि आपने अपना फंक्शन बनाया तो भी आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हो। और लोकल वेरिएबल है वो कोई भी एक फंक्शन के लिए सीमित है। तो बाद में आप कोड लिखोगे, बाद में आप अदर फंक्शन यानी कि जो भी आपने फंक्शन बनाया है वो, ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो ऑप्शनल है। जब भी आप क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाओगे तब आपको मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, तब आप इसका यूज करोगे। तो इसी तरह कुछ इस तरह से सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।